गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। मैंने आपका एसएसटी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, वेरिड क्लाइमेट्स। और मैंने आपको क्लाइमेट्स के बारे में बताया था, क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है, और उन दोनों में डिफरेंस बताया था। क्लाइमेट्स को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये भी बताया था। आज मैं आपको जोन्स के बारे में पढ़ाऊँगी, ठीक है। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द वेरिएशन इन द टेम्परेचर वी कैन डिवाइड द अर्थ इंटू 3 क्लाइमेटिक जोन्स। टेम्परेचर में जो वेरिएशंस होते हैं उसके आधार पर जोन को, अर्थ के जो अर्थ को जो है 3 जोन में बांटा गया है। जो हमारा अर्थ है उसको 3 जोन में डिवाइड किया गया है। पहला जोन है हमारा टॉरिड जोन। ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर द एरिया लाइक बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल और टॉरिड जोन, ठीक है। इक्वेटर के दोनों साइड कौन कौन से एरियाज लाई करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसी को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन या फिर टॉरिड जोन। दिस एरिया रिमेन्स हॉट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। इस इधर के एरिया जो है पूरी साल कैसे रहते हैं, गर्म रहते हैं। देखिए, जैसे ये आपका अर्थ है और ये क्या है, ये है आपका इक्वेटर। इधर का एरिया और इधर का एरिया दोनों क्या होते हैं, बहुत गर्म रहते हैं। देखिए, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो ये अर्थ के दोनों साइड वाले एरिया बहुत ही गर्म रहते हैं, ठीक है। दूसरा जोन है आपका फ्रिज जोन। द एरिया लाइक बिटवीन द आर्टिक जोन द नॉर्थ पोल एंड द अंटार्कटिक जोन एंड द साउथ पोल कम अंडर फ्रिज जोन। जो एरिया आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल के बीच में आते हैं और अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में आते हैं, वो ये एरियाज किसके अंदर आते हैं, फ्रिज जोन के अंदर। इन एरियाज को हम क्या बोलते हैं, फ्रिज जोन। दीज एरियाज आर वेरी कोल्ड एज दीज आर नियर पोल्स। ये एरिया जो है बहुत ठंडे होते हैं क्योंकि ये पोल्स के बहुत ही करीब होते हैं, ठीक है। द एरिया सिचुएटेड इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर इज कॉल्ड नॉर्थ फ्रिज जोन। जो एरिया नॉर्थ हेमिस्फीयर पे सिचुएटेड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉर्थ फ्रिज जोन। और एंड द एरिया सिचुएटेड इन द साउथ हेमिस्फीयर इज कॉल्ड साउथ फ्रिज जोन। जो एरिया साउथ हेमिस्फीयर के पास उसमें सिचुएटेड रहते हैं उनको हम बोलते हैं साउथ फ्रिज जोन। देखिए, ये आपका ये है अर्थ है, मैंने आपको बताया था इक्वेटर है। इक्वेटर ये देखिए आर्कटिक जोन जिसे हम नॉर्थ टेम्परेट जोन बोलते हैं, और ये है आपका अंटार्कटिक सर्कल, इसे हम बोलते हैं साउथ टेम्परेट जोन, ठीक है बच्चों। ये एरिया कैसे रहते हैं, ठंडे रहते हैं। फिर आता है टेम्परेट जोन। द एरिया सिचुएटेड बिटवीन द टॉरिड जोन एंड फ्रिज जोन आर नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। वो एरिया जो टेरिड जोन और फ्रिज जोन के बीच में लाई करते हैं, तो वो कैसे एरिया होते हैं, टेम्परेट जोन एरिया, टेम्परेट जोन बोलते हैं उनको। वो ना तो ज़्यादा गर्म होते और ना ही ज़्यादा ठंडे होते, ठीक है बच्चों। इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ टेम्परेट जोन। नॉर्थन हेमिस्फीयर में हम उसे क्या बोलते हैं, नॉर्थ टेम्परेट जोन। एंड इन द साउथन हेमिस्फीयर इज कॉल्ड साउथ टेम्परेट जोन। और जो साउथ हेमिस्फीयर की तरफ होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, साउथ टेम्परेट जोन। दस वन थिंग बिकम क्लियर डेट टेम्परेचर डिक्रीज एज वी गो फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। इससे हमें ये तो पता चला कि जैसे हम इक्वेटर से थोड़ा दूर जाते जाएंगे, दूर चलते चले जाएंगे, तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, यानी कम होता चला जाएगा, ठंडी होती चली जाएगी। देयर फॉर द लैटिट्यूड और द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर डैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। लैटिट्यूड और डिस्टेंस है जो इक्वेटर से उस जगह की लैटिट्यूड और डिस्टेंस क्या है, वही मेन फैक्टर है जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। अब सेकेंड फैक्टर है हाइट अबव द सी लेवल और एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड को ही हम हाइट बोल देते हैं, यानी ऊंचाई, यानी कि सी लेवल से हम जितने ऊपर जाएंगे उसके बारे में ये फैक्टर भी अफेक्ट करता है। द एल्टीट्यूड रिफर टू द हाइट ऑफ अ फिजिकल फैक्टर और अ प्लेस अबव द सी लेवल। जो एल्टीट्यूड है वो हाइट को रिफर करता है, यानी कि एल्टीट्यूड को हाइट भी बोलते हैं। ये एक फिजिकल फैक्टर है और प्लेस अबव द सी लेवल कौन सी, ठीक है। द एटीट्यूड हैज़ एन इफेक्ट ऑन द टेम्परेचर एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर। जो हाइट है वो टेम्परेचर को और एटमोस्फेरिक प्रेशर को क्या करती है, अफेक्ट करती है। एयर बिकम्स कूलर एज वी गो हायर अबव द सी लेवल। जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊंचा जाते चलेंगे, ऊपर चलते चले जाएंगे, हवा कैसे होती चली जाएगी, ठंडी होती चली जाएगी। देखा होगा आपने जैसे हिमालय वगैरह तरफ जाते हो तो हवा जो है ठंडी होने लगती है। डैट इज़ वाई प्लेसेस इज हाई एल्टीट्यूड बिकम फेमस एज हिल स्टेशन। इसीलिए वो प्लेसेस ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड की वजह से वो प्लेसेस क्या है, हिल स्टेशन के लिए बहुत फेमस होती है। बोलते हैं ना, जैसे हिल स्टेशन जाएंगे हम, मसूरी जाएंगे और केदारनाथ वगैरह, ये सब क्या है, हिल स्टेशन, यानी बहुत ठंडी ठंडी जगह होती है वो,
ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल शिमला, शिमला जो है बहुत ठंडा है, बहुत हाई एल्टीट्यूड पर, कोल्डर देन चंडीगढ़, चंडीगढ़ से ठंडा शिमला है। थ्रो दो बहुत बोथ आर ऑलमोस्ट एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, ये दोनों इक्वेटर से क्या है सेम डिस्टेंस पर, जितने डिस्टेंस पर चंडीगढ़ है उतने डिस्टेंस पर शिमला है। दिस इज बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ऑफ शिमला विच इज़ अबाउट 2150 मीटर अबव सी लेवल। शिमला जो है सी लेवल से कितना ऊंचा है, 2150 मीटर ऊपर ऊंचा है। दिस एटीट्यूड इज मच हायर देन द एटीट्यूड ऑफ चंडीगढ़, ये जो एटीट्यूड है, ये जो हाइट है वो चंडीगढ़ से ज़्यादा है। देयरफॉर द टेम्परेचर एट हाई एटीट्यूड इज वेरी लो, देयरफॉर द टेम्परेचर इज हाई एल्टीट्यूड इज वेरी लो, इसी वजह से लैटिट्यूड जितना बढ़ेगा टेम्परेचर उतना कम होता चला जाएगा, जितना हम ऊपर जाते जाएंगे ठंडी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, द सिटीज़ लाइक ओटी, नैनीताल, मनाली एंड दार्जिलिंग आर कोल्ड इवन इन समर बिकॉज इट देयर हाई एल्टीट्यूड। जो ये जो सिटीज़ हैं, ओटी है, नैनीताल है, मनाली है, दार्जिलिंग है, ये प्लेसेस बहुत ठंडे होते हैं, ये गर्मियों में भी बहुत ठंडे होते हैं क्योंकि इनका जो एटीट्यूड है, इनकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है बच्चों, आज मैंने आपको जोन्स बताए, थ्री टाइप्स के जोन्स होते हैं, और मैंने आपको आज सेकंड फैक्टर बताया हाइट अबव द सी लेवल, आप उसे ढंग से पढ़िएगा, कल मैं आपको डिस्टेंस फ्रॉम द सी पढ़ाऊँगी। थर्ड फैक्टर है, और फोर्थ है आपका डायरेक्शन ऑफ विंड, ये मैं आपको बचा हुआ और रिमेनिंग पार्ट्स में आपको कल पढ़ाऊँगी, आप इसको ढंग से पढ़िएगा समझिएगा। ठीक है, थैंक यू।